नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आज हम इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं और भाषा शैली के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 19 सितंबर 1927 को हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 19 सितंबर 1927 को हुआ था। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में पूरी करने के बाद वे लखनऊ चले गए और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कुंवर जी ने विज्ञान वर्ग से इंटर तक की शिक्षा पूर्ण की थी। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के दौरान ही वे हिंदी साहित्य का ज्ञान भी प्राप्त करने लगे थे। कुंवर नारायण एक कुशल संपादक तथा विनोद प्रिय कवि थे। ये युग चेतना, नया प्रतीक, छाया नट पत्रिकाओं के संपादक मंडल से भी जुड़े हुए थे। अब हम इनके पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, कुमारन पुरस्कार, कबीर राष्ट्रीय सम्मान, सलाका सम्मान आदि प्रमुख है। अब हम इनकी रचनाओं को जानेंगे। कुंवर नारायण का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने साहित्य में अनेक विधाओं की रचना की है, जो इस प्रकार है। इनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। इनका कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। इनका समीक्षा या आलोचना है आज और आज से पहले। इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कुंवर जी का आत्मजयी काव्य का सन 1989 में इतालवी भाषा में अनुवाद रोम से प्रकाशित हुआ था। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। एक भ्रमणशील व्यक्ति होने के कारण कुंवर नारायण ने पाश्चात्य साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है, इसीलिए कविता के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक है। इन्होंने भावुकता को अपनी कविताओं में स्थान नहीं दिया है। वे अपनी कविताओं में समकालीन समाज की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवतावाद का भी वर्णन किया है। सामाजिक चेतना को महत्व देते हुए वह रूढ़ियों व जड़ परंपरा का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी भाषा शैली को देखिए। कुंवर जी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक है। भाषा और विषय की विविधता कुंवर नारायण की कविताओं के विशेष गुण है। अतः उन्होंने विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग है। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। मृत्यु कुंवर नारायण जी का 15 नवंबर सन 2017 को 90 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 को दिल्ली में हुई थी। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय है, जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि
आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।